सेतु बंध आसन। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक पुल की तरह होती है। इस आसन को चतुष्पदासन भी कहा जाता है। सबसे पहले आप अपने पैरों के बीच आरामदायक अंतर बनाते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि उनका मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब अपने दोनों पैरों को जोड़ें, फिर अपने पैरों को मोड़कर अपने कूल्हों के पास ले आएं, फिर अपने दोनों टखनों यानी एंकल्स को अपनी हाथों से मजबूती से पकड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने कूल्हों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं, जिससे आपका शरीर एक सेतु यानी पुल का आकार ले ले। सुनिश्चित करें कि आपका सर और कंधे जमीन पर हों और आपके घुटने और पैर एक ही सीध में हों। इस अंतिम मुद्रा में अगर आप चाहें तो अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये आसन पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह आपके पेट के अंदरूनी अंगों में खिंचाव लाकर पाचन क्रिया में सुधार लाता है और आपको कब्ज से मुक्ति दिलाता है। सेतु बंधासन हृदय संबंधी कार्यों में सुधार लाता है। यदि आपको अल्सर और हर्निया जैसी बीमारियां हैं तो ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाओं को ये आसन सावधानी से और पर्यवेक्षण के तहत करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड तक सेतु बंधासन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हों को वापस जमीन पर लाएं और अपने टखनों को छोड़ते हुए पुनः शवासन की मुद्रा में आ जाएं और विश्राम करें। नियमित रूप से सेतु बंधासन करने से आपको अवसाद यानी डिप्रेशन और व्यग्रता यानी एंजाइटी से मुक्ति मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। फॉर मोर वीडियो स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।